दोस्तों अगर आप किसी वेबसाइट को चलाते हैं या फिर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर कोई और ऐसी वेबसाइट चलाते हैं जिससे आप किसी पब्लिक से जुड़ सकते हैं तो आपको कई बार ये मैसेज आए होंगे जैसे क्लिक फॉर्मेटिंग या फिर कोई और तरह की कि आपके व्यूज बढ़वा देंगे या फिर आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे या फिर आपके वेबसाइट विजिटर्स बढ़ जाएंगे। इसे कहते हैं क्लिक फॉर्मेटिंग। अगर आप जानना चाहते हैं क्लिक फॉर्मेटिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं बात। लेट्स स्टार्ट। आपने क्लिक फॉर्मेटिंग के बारे में सुना ही होगा, बात करते हैं होता क्या है। मान लो आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर कोई और आपका कोई यूट्यूब अकाउंट है तो आपको कई बार ये मैसेज आते होंगे कि आपके हम सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं या फिर आपके फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं या फिर आपके वेबसाइट पर विजिटर्स बढ़ा सकते हैं। ये काम कैसे होता है? मान लो आपने इनमें रिक्वेस्ट की मुझे मेरी वेबसाइट पर इतने व्यूज चाहिए या फिर इतने विजिट्स चाहिए तो वो क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट का यूआरएल अपने सिस्टम में डालते हैं। सिस्टम में उनके पास कई शायद हजारों के लगभग डिवाइस होते हैं, सभी डिवाइस में भी कंप्यूटर प्रोग्राम से ऑटोमेटिकली उनमें सारी वेबसाइट ओपन होती है। उनमें आप जितनी देर के लिए चाहो आपके कोई वीडियो में व्यूज दिवाने हैं तो वे उसमें सॉफ्टवेयर में आपकी वेबसाइट डाल देते हैं। साथ ही वो जितने भी उससे डिवाइस कनेक्टेड है, 1000 डिवाइस या फिर जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है सभी डिवाइस में वो वेबसाइट चल जाती है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में व्यू डालने हैं तो वो वीडियो उन सभी डिवाइस में चल जाएगा। जितनी मिनट वो आपको चाहिए उसी हिसाब से उन सभी वीडियो में व्यूज प्ले होंगे, उसके बाद दूसरा वीडियो उसमें प्ले हो जाएगा। ये ऐसे आपके व्यूज बढ़ाए जाते हैं। मगर ये बता दें ये कोई लीगल तरीका नहीं है, इससे आपके जो फंडिंग में है उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ जो ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है उनमें ग्रोथ होने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे मान लो कोई अगर कोई थर्ड पार्टी है भाई, यानी उसने बहुत बेकार यानी कोई वायरस है उसमें, उसको अगर हाई रेटिंग दी जाती है जैसे प्ले स्टोर पर कोई सॉफ्टवेयर उसे डाउनलोड किया जाता है उन सभी डिवाइस में क्लिक फॉर्मेटिंग के जरिए, उन सभी में सभी डिवाइस से उस जो ऐप डाउनलोड हुआ है उसमें उसकी रैंकिंग दी जाती है, जिससे उसकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है। इससे जो बेकार सॉफ्टवेयर यानी कि जो अनयूज सॉफ्टवेयर है उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। क्लिक फॉर्मेटिंग एक तरह से अनलीगल है। मुझे उम्मीद आपको बता सकते हो क्लिक फॉर्मेटिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो मैं अपना नाम ले, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।